संतू काका, ए काका, हाँ कृष्णा तिमी आई पुग्यौ? काय का के तपाई रोइरा बस्नु भएछ? के हेर न कृष्ण, मेरो छोरालाई 10-15 दिन भयो किडन्याप गरिलएको त्यो आरडीएक्सले। आरडीएक्सले 15 दिन भन्दा बढी भइसक्यो। मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाएर राखेको, गाउँका थुप्रै मान्छेलाई किडन्याप गरेर लगेको छ त्यसले। कल हिंदुस्तान जाओगे, कानपुर के रेलवे स्टेशन में बम रखोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ए तुम इधर आओ, इधर आओ। अगर तू भी मेरा बात नहीं मानेगा, ये आदमी लोग तेरे बीवी और बच्चे को खत्म कर देंगे। सर मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दो सर, जो कहोगे मैं मानूंगा सर। छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हमारा काम हो जाने के बाद तेरे बीवी और बच्चे को सही सलामत घर पहुंचाया जाएगा। तुम दिल्ली जाओ और कृष्ण मंदिर को बूम उड़ा दो। और तुम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाली नोट और ड्रग्स फैला दो। जी सर। तपाईले जुन विषय उठाउनु भो त्यो विषयमा माथि इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ। तर यो अति संवेदनशील विषय हो सर, यसले हाम्रो दुई देशलाई ठूलो खतरा हुन सक्छ, यसले छिटो एक्शन लिनु पर्यो। मैले भने नि कृष्णजी, माथि छलफल हुँदैछ, डिपार्टमेन्टमा बढी फोर्स गर्यो भने यसको उल्टो रिजल्ट आउन सक्छ। यो कुरा सुन्दा तपाईँ उसको मित्र जस्तो लाग्दै हुनुहुन्छ। के सेन्सिटिभ बाटोले तपाईँ चाकरी गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले म जान्छु। कौन हो तुम लोग? आरडीएक्स राक्षस, डेंजर, एक्सरे, ए फौजी, लगता है तुझे हेडक्वार्टर जाने का बहुत जल्दी है। ठीक है, मैं तुझे और तेरे परिवार को ऊपर भेज देता हूं। क्या चाहते हो तुम? बर्बादी, सारा हिंदुस्तान का बर्बादी। तू मेरा साथ दे, सुखी रहेगा। मैं पापियों का साथ कभी नहीं दूंगा। तो मार दिया जाएगा। मैं आर्मी हूं, मौत से नहीं डरता। फौजी, सुना है तेरे बीबी के पेट में बच्चा पल रहा है, निकाल दूं? मेरी बीबी को छोड़ दे।
छोड़ दे, छोड़ दे मेरा छोरा। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। तुमने मेरा 4 मिनट बर्बाद कर दिया। तुझे रांची का हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा और वहां से मेरा डिश लेके आना होगा। ये काम के लिए मैं तुझे इनाम भी दूंगा और तेरे परिवार को आजाद। और हाँ, इस काम के लिए तू अपनी खूबसूरत बहन पद्मा को भी लेके जाएगा, क्योंकि पद्मा अपनी खूबसूरती से सबको अपने जाल में फंसा। गार्डियक्स, हमार पत्नी और हमार परिवार के अपना कब्जा में रख के हमने दोनों के यहाँ भेज देलस। ओकरा बाद हम और हमार बहन नेपाल से रांची आवत रहनी, तभी हमने के बस नदी में गिर गई और हमने दोनों जने बिछड़ गई नी। और एक दिन रांची के हुनरू फॉल पे हम अपन बहन से मिलनी। हम जिंदा बानी, लेकिन हम तोरा के कहां कहां ना खुजनी। ई तू का करे जात रहलू हा? तू आरडीएक्स ले आंदा जीव तो छोड़ दे ना दाई। चिंता ना करा, चला नेपाल चल जाओ। एउटा कमांडर छ अर्जुन पांडे, त्यसले हामी नेपाल लिएर जाउँ दाई। कहे? तर त्यो त्यसै मान्दैन दाई। भन्छन् नि फलामलाई फलामले नै काट्छ, त्योसँग 10 हात्ती बराबरको तागत छ, हावा जस्तै तेज छ त्यो। त्यसलाई हामीले नेपाल लिएर जान सक्यौँ भने त्यो राक्षस आरडिएक्सबाट नेपाल र भारतलाई बचाउन सक्छौँ दाइ। उक्राबाद हम तुहार बहादुरी चेक करे खातिर हम अपन बहिन के ढाल बनौनी और तोहरा के यहाँ तक लेके आईनी। अब हमरा भरोसा हो गई कि तू ही ये दोनों देश भारत और नेपाल के आरडीएक्स जैसन तरिंदा से बचा सकेला। अर्जुन, अरे यार, तो पहले कहा न बतेला, हमार तो जन्मे भइल बा देश के दुश्मन के सर्वनाश करे खातिर। हमनी के देश के दुश्मन चाहे कहीं भी होके ओकरा घर में घुस के ओके चीर फाड़ दे। तू चिंता मत करा, हम तोरा साथे बानी। सर, ये दुनिया का ऐसा मिसाइल है जो 20 मिनट के अंदर जमीन के अंदर 2000 किलोमीटर ड्रिल करते हुए अपने टारगेट को पूरा कर सकता है। शाबाश मिस्टर साइंटिस्ट, मजा आ गया। अब तुम ऐसा ही मुझे 200 और बना कर दोगे, ताकि मैं 1 घंटे के अंदर में सारा हिंदुस्तान को खत्म कर सकूं। सॉरी सर, आपने मुझे एक ही मिसाइल बनाने के लिए बोला था। अच्छा। hey, इसकी बीवी और बच्चे को खत्म कर दो। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, प्लीज सर, प्लीज। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा सर, बस मेरे परिवार को छोड़ दीजिए सर, उसे कुछ मत करिए सर, उसको मत मारिए सर, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ। hey, ले जाओ इसे। नहीं सर, सर प्लीज,
प्लीज सर, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरे परिवार को मत मारिएगा सर, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। अब देखता हूँ हिंदुस्तान को कौन बचाता। यह हमार गांव चुमसुम और यह हमार घर। ज्योति, ज्योति कहाँ गई? बुआ, ज्योति, 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 ज्योति के भोती मिलाई बाबा रसती खोई भला ना। बुआ अनि बहिनी र म आरडीएस को अड्डाबाट भागी रहेका थियौ। त्यही बेला आरडीएस को मान्छे बुहारी, बुहारी के बोल, के हो बुहारी, बुहारी के बोल, के बोल। ले चलो तीनों को, चल, भागा। इस गड्ढे से भागती है, सॉरी भागा। कोई जिंदा नहीं बचता। देखो छोरी भागा, छोरी भागा। बाउजू तपाईलाई दाइको कसम, एकछिन आइ बस्नुस्। बुवा, रमा, रमा, तपाईं नजानुस् बच्चाको कसम, तपाईं एकछिन आइ बस्नुस्। बाबा,